नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने सफेद सीरिस का पेड़ लेकर आया हूँ। दोस्तों यह पेड़ जितना छायेदार और भारी भरकम काया का है उतना ही आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भी भरा हुआ है यह बड़ा सा सफेद सीरिस का पेड़। दोस्तों इस सफेद सीरिस पेड़ का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे इसका फूल हो, चाहे इसका बीज हो, चाहे इसका छाल या पत्ती हो। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो इस पेड़ का हर एक अंग इंसानों के अंग में बिल्कुल फिट बैठता है, इंसानों की बीमारियों को दूर करने का काम करता है। तो दोस्तों आज मैं इसी फायदे के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर यह सफेद सीरस हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। और हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस सीरीज के करीबन 3 प्रजाति होते हैं। या तो जो आप देख रहे हैं यह सफेद सीरीज है, काला सीरीज भी होता है और लाल सीरीज भी होता है। कुछ महीने पहले हमने काला सीरीज के बारे में आपको बताया था, उसका वीडियो हमारे चैनल में है पहाड़ी आयुर्वेदिक में। आज मैं आपको सफेद सीरीज के फायदे के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बड़ा अफसोस की बात है कि लाल सीरीज मुझे अभी तक मिला नहीं, इसलिए उसके बारे में आपको बता नहीं पाया हूँ। फिलहाल मेरा तलाश जारी है, जिस दिन मुझे वह लाल सीरीज मिल जाएगा उसका वीडियो बनाकर आप तक मैं पहुँचाऊंगा जरूर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा देखते देखते आप इस पेड़ को पहचान जाएंगे और पहचान के साथ साथ में इसके फायदे भी आप जान जाएंगे। दोस्तों इस सफेद सीरीज के फली जो है चपटे चपटे होते हैं, करीबन 7 इंच से लेकर 12 इंच तक लंबे होते हैं और करीबन 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक चौड़े होते हैं और उसके अंदर 1-1 इंच पे 1-1 बीज होता है। एक फली में करीबन 8 बीज या 10 बीज या 15 बीज तक ज्यादा देखा गया है। दोस्तों तमिल में इस पेड़ को पांडिल के नाम से जाना जाता है और कन्नड़ा में बागे मारा कहते हैं, मराठी में सीरस या फिर चिचोला कहते हैं और मलयालम में कट्टुवक के नाम से जाना जाता है और अरबी में सुल्तानुन सजर कहते हैं, पारसियन में दरख्ते जखारिया, तेलुगु में दिरसन कालिंदी या दो नामों से इसे जाना जाता है, उर्दू में दारस कहते हैं और संस्कृत में शुक्रप्रिय विषहंता। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलो अब इसके फायदे के बारे में हम जाने कि इस पेड़ के छाल पत्ते और बीज से हम किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोग माइग्रेन के दर्द से पीड़ित रहते हैं, उन्हें हमेशा आधे सर में दर्द होता रहता है, वह सिर दर्द की दवा खा के परेशान रहते हैं मगर उनका दर्द ठीक नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए यह रामबाण औषधि है। आपको क्या करना है वो जान लीजिए। इस सफेद सीरस के जड़ और फल दोनों को लेकर पत्थर के सिल में आप इसे खूब पीसिए, बारीक करने के बाद किसी कपड़े में निचोड़कर इसका रस निकाल लीजिए और उस रस को आप जिसके सर में हमेशा दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द हो, उनके नाक में 2-2 बूंद डालिए तो माइग्रेन के दर्द से आराम मिलेगा, राहत मिलेगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों माइग्रेन दर्द को ठीक करने के लिए यह सफेद सीरीज के जड़ और फल। अब आओ चलो दोस्तों इसके पत्तों के फायदे के बारे में जाने कि आखिर ये पत्ते किस काम के हैं। तो दोस्तों सीरीज के पत्ते भी फायदों में कुछ कम नहीं हैं। दोस्तों अगर किसी को आंख संबंधित परेशानियां हो तो उन परेशानियों को दूर करने में यह सीरीज के पत्ते बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब यूं तो आंखों के बहुत सारे परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए आंखों में रतौनी का रोग, आंखों का लाल हो जाना, आंखों में जलन होना, आंखों से कीचड़ निकलना या फिर आंखों से धुंधला दिखाई देना, आंखों में मोतियाबिंद आ जाना, तो इन सभी बीमारियों में आप सीरीस के पत्तों से फायदा उठा सकते हैं। बस आपको क्या करना है वो जान लीजिए। यूं तो दोस्तों सफेद सीरीस के पत्तों काढ़ा बनाकर पिलाने से आंखों से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं सभी पे फायदा होता है, लेकिन अगर इसी पत्तों का रस निकालकर आंखों में काजल की तरह लगाएं तो भी फायदा होता है। दोस्तों आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार अगर सीरीज के पत्तों को रस के काजल बनाकर आंखों में लगाया जाए तो और तेजी से आंखों को फायदा मिलता है। अब काजल बनाने की विधि कैसा है वो आप सुन लीजिए। दोस्तों विधि यह है कि
सीरिस के पत्तों को तोड़कर पत्थर के सिल में पीसकर इसका रस निकाल लीजिए और उस रस में कोई सूती कपड़े को भिगा दीजिए, यानी प्योर कॉटन का कपड़ा डालकर भिगा दीजिए। भिगाने के बाद उसे धूप में सुखा लीजिए और जब वह कपड़ा सूख जाए तो फिर एक बार सीरिस के रस में उस कपड़े को भिगाइए, फिर सुखाइए, फिर भिगाइए, फिर सुखाइए। इस तरह से करीबन 3 बार भिगा कर सुखा लीजिए। जब तीसरी बार भीग कर सूख जाए तो उस कपड़े को फाड़ फाड़ के पतले पतले बत्ती बना लीजिए और किसी मिट्टी के प्याले में चमेली का तेल डालकर उस तेल के अंदर सीरिस के पत्तों से भीगे हुए कपड़े यानी सूती के कपड़े की बत्ती जो है उसे डालकर आग लगाकर दिया जलाइए और उसका काजर निकाल लीजिए, यानी जो चमेली के तेल और कॉटन कपड़ा जो सीरिस में भीगा हुआ है और सूखा हुआ है दोनों को जलने के बाद जो काजल निकलेगा उस काजल को आप किसी डब्बे में रख लीजिए और फिर उस काजल को आप किसी भी तरीके का आंख का तकलीफ हो उसमें आप लगाइए तो आपके आंखों की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों सीरिस के पत्तों का रस आंखों के लिए। दोस्तों कान दर्द में भी काफी फायदेमंद माना जाता है सीरिस के पत्तों का रस, लेकिन हाँ सीरिस के पत्तों के साथ में आम के पत्तों को मिलाकर दोनों को पीसकर इसका रस निकालकर दुखते हुए कान में दो दो बूंद डालने से कान का दर्द दूर होता है। दोस्तों दांत दर्द भी काफी फायदेमंद है। दोस्तों इस सफेद सीरिस से आप दांत के दर्द को भी दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सीरिस के जड़ की छाल ले लीजिए और उसका काढ़ा बनाइए और उस काढ़े से आप कुल्ला कीजिए, आपके दांतों का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा सीरिस के जड़ के छाल के काढ़ा से, मात्र कुल्ला करने से। और हाँ दोस्तों सीरिस के छाल के जड़ को पीसकर पाउडर बना लीजिए, मात्र उस पाउडर को दांतों में अगर रगड़ते हैं तो भी दांत का दर्द ठीक होता है, मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों से खून का मवाद का आना भी रुक जाता है। और अगर मान लीजिए मुंह से गंदी बदबू आती हो तो भी आप सीरिस की छाल के काढ़ा बनाकर कुल्ली कीजिए तो उससे भी आपको फायदा होगा। और हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सीरिस के गोंद भी होते हैं, अगर हुआ गोंद आप निकाल लीजिए सूखे हुए गोंद और उस गोंद के बराबर काली मिर्च मिलाकर पीसकर पाउडर बनाकर अगर किसी डब्बे में रख लीजिए तो आप उससे भी दांतों में मसाज कर सकते हैं, उससे भी दांतों के समस्त रोग ठीक होने लगते हैं। दोस्तों इस सीरिस के पत्तों से खांसी भी ठीक होता है। उपाय यह है कि सीरिस के पत्तों को पीसकर इसका चटनी बना लीजिए और उस चटनी को आप घी में तलकर फ्राई करके बाहर निकाल लीजिए और फिर दिन में 1-1 ग्राम की मात्रा से कम 3 बार सेवन कीजिए तो आपकी खांसी शांत हो जाएगी इसके पत्तों के इस्तेमाल से यानी सेवन से। दोस्तों इस सीरिस के अंदर एक खूबी और है कि यह वात कफ पित्त तीनों पे काम करने वाला आयुर्वेदिक जड़ी बूटी माना जाता है। तो दोस्तों इसलिए अगर मान लीजिए किसी को दमा का प्रॉब्लम हो या सांस संबंधित कोई भी तकलीफ हो तो सीरिस के फूल ले लीजिए, फूल को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए करीबन 5 ml तक और उस 5 ml सीरिस के फूल के रस को आप 500 ml पानी में डाल दीजिए और 5 ग्राम तक उस पानी में पिपली डाल दीजिए और 5-6 पत्ते तुलसी के डाल दीजिए, 3 चुटकी हल्दी डालकर कम से कम 100 ग्राम शहद डालकर उस पानी को आप पकाइए, पकाते पकाते उसका 3 हिस्सा आप जला दीजिए, 1 हिस्सा उतार कर किसी भी बोतल में छान कर भर लीजिए और दिन में 3 बार कम से कम 2-2 ढक्कन यानी 10 ml से लेकर 20 ml तक आप सेवन करें तो खांसी रोग, दमा रोग, श्वास संबंधित जो भी तकलीफ है, कफ है, पित्त है, वात है, तीनों का शमन करेगा, तीनों में फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों इस सफेद सीरिस के चूर्ण दिन में 3 बार अगर पेचिस रोगी खाए तो पेचिस रोग में लाभ होगा। दोस्तों सीरिस के छाल का काढ़ा खून को साफ करता है, खून के अंदर विषैले पदार्थ को निकालकर शरीर से बाहर कर देता है, इसलिए इसके जड़ के छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से शरीर के बहुत सारे बीमारी ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग भी ठीक होने का बहुत चांस होता है। दोस्तों यह सीरिस के जड़ के छाल का काढ़ा पेटों के जितने भी बीमारी होते हैं सभी पे काम करता है, चाहे एसिडिटी हो, कब्जियत हो या जलंधर रोग हो।
दोस्तों इस तरह से यह सीरीज बहुत ही फायदेमंद है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बीजों को भी तेल मार्केट में मिलते हैं, घाव लगाने से वह घाव ठीक हो जाते हैं इसके बीजों के तेल से। और हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए इसके बीज का तेल आपको नहीं मिलता है तो घाव और फोड़ा फुंसी आप इसके पत्तों को भी पीस कर लेप कर सकते हैं, इसके पत्तों से भी फोड़ा फुंसी ठीक होते हैं, घाव ठीक होते हैं। दोस्तों पेशाब की समस्याओं में भी आप इस सीरीज के पत्तों का रस निकाल कर सेवन करते हैं तो पेशाब की समस्याएं दूर होने लगते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए इन पत्तों को आप ताजे ताजे तोड़कर धोकर साफ कर लीजिए और इसे पीस कर इसका रस निकाल लीजिए 10 ml तक, और उसी में मिश्री मिलाकर दिन में 2 बार सेवन कीजिए तो पेशाब में दर्द जलन होता होगा तो वह ठीक होने लगेगा इसके सेवन से। दोस्तों इस सफेद सीरीज के बीज का पाउडर शक्कर मिलाकर रोजाना 2 ग्राम सेवन करें और ऊपर से दूध पिएं सुबह शाम तो शरीर का बल बढ़ता है, शीघ्र पतन दूर होता है, कैल्शियम गाढ़ा होता है, वीर्य मजबूत होता है, गाढ़ा होता है। दोस्तों इस तरह से यह सीरस का बीज पुरुषों के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।